आदाब। प्रोग्राम रूबरू का एक ताज़ा तरीन शुमारा लेकर हाजिर हूँ। मैं हूँ आज के प्रोग्राम की मेज़बान दीबा बिन्त मंजूर। जैसा कि आप जानते हैं, हम इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ मौजूआत पे बात करते हैं। आज का सेशन हमारा ऑनलाइन होगा। हमारे साथ जुड़े हैं कुछ लोग जो ऑनलाइन ही बात करेंगे डिफरेंट मौजूआत के बारे में। हमारे साथ जुड़े हुए हैं मोहम्मद इकबाल, जो डायरेक्टर JSS मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट फॉर डिस्ट्रिक्ट कुपवारा है, और जुड़े हुए हैं राहिल डार, जो सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है कुपवारा में, हनीफा खान, चेयरमैन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच महिला मोर्चा कुपवारा, रुकैया हाशिम, BA थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट, सोशल एक्टिविस्ट फॉर विडोज, मुदसर साहब, प्रेसिडेंट JK रीड फाउंडेशन NGO। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला सवाल। वादी में कोविड के केसेस की कमी के बाद अनलॉक की अमल शुरू की जा रही है, क्या ये सही फैसला है? जी, आपका पहला सवाल था कि कोविड-19 और अनलॉक हो रहा है, इसके बारे में मतलब आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं इसके बारे में कि कोविड अगर रहा तो भी परेशानी, अगर बीमारी आई तो भी परेशानी, बीमारी ना आए तो भी परेशानी। इसका वजह ये है कि लोग का जो गरीब गुरबात मजदूर एजुकेशन ट्रांसपोर्ट ये फिर भी लॉकडाउन की वजह से भी मर रहा है, अगर लॉकडाउन ना हो तो भी मर रहा है, क्योंकि लोन पे गाड़ियां लिए हैं तो बंद हैं। और ज्यादा से ज्यादा नुकसान दो चीजों को हुआ है, वो एजुकेशन और ट्रांसपोर्ट को, क्योंकि दुकानें सुबह शाम कभी कभारा खुलती हैं, कारोबारी कभी कभारा खुलते हैं, लेकिन मजदूर पेशा या ट्रांसपोर्ट या एजुकेशन को 2 साल हुए बैठे हुए, क्योंकि बच्चे लोग जितने भी हैं, जो भी याददाश्त उनको उनके पास थी या उन्होंने कुछ पढ़ा था वो सब भूल गए हैं। मैं चाहती हूँ कि एजुकेशन खोल जाए और क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसपोर्ट खोल दी। जब अगर दुकानें खुलती हैं, ट्रांसपोर्ट बंद रहता है तो फिर भी कोई फायदा नहीं है, अगर एजुकेशन बंद रहता है तो फिर भी कोई फायदा नहीं है। मैं चाहती हूँ अगर लोगों को मरना है, वो वैसे भी मर रहे हैं, ऐसे भी मर रहे हैं, बंद की वजह से भी मर रहे हैं तो खुल की वजह से भी मर रहे हैं। अगर आधा खोलते हैं, गवर्नमेंट आधा खोल रहा है आधा बंद रख रहा है, क्योंकि इसमें ज्यादा से ज्यादा नुकसान मेरे ख्याल में ज्यादा नुकसान हो रहा है ट्रांसपोर्ट और एजुकेशन को। हनीफा जी, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहता हूँ, इसलिए उसकी वजह ये है जो गवर्नमेंट है वो हमारे बचाव के लिए कर रही है सारा कुछ। उनने ट्रांसपोर्ट के लिए 2 दिन दिए हैं, अगर पूरा ट्रैफिक चलेगा फिर इस पर कोविड पे कहाँ कंट्रोल होगा? उससे अच्छा 2 दिन वो गैप रखेंगे हम, वो हमारे बचाव के लिए ही है, उसको अपनाएंगे। दूसरा, ये राशन कार्डों पे भी गवर्नमेंट ने मतलब फ्री राशन दिया है, उसको भी हमें सोचना समझना है। वो चीज़ जो रेडियो वाला है, अब मज़दूर है, जो ही थोड़ी सी डील होती है वह पूरी पब्लिक सड़कों पर आती है, फिर कहाँ कंट्रोल रहेगा? गवर्नमेंट करे हमारे बचाव के लिए कर रही है, हमें उसका सपोर्ट साथ देना चाहिए। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, मुझे ये बताइए, ठीक है खुला है लेकिन एजुकेशन क्यों बंद कर दिया? एजुकेशन मतलब बच्चों का क्या होगा, इनके लिए तो गवर्नमेंट ने कुछ सोचा होगा? आपने कहा जो देहात है, गाँव है, पहाड़ी एरियाज है, वहाँ पर लाइट नहीं है, बाकी चीज़ नहीं है, मगर ये चीज़ है जो दूरदर्शन टेलीकास्ट जो एजुकेशन के क्लासेस लगा है वहाँ पे वो गांव में जाते हैं, उसके बरक्स जो रेडियो है वो हर तरफ कवर करता है, उन्होंने वो क्लासेस उस पर भी लगाए, सिटी में भी आ रहे हैं, देहातों में भी आ रहे हैं। रहा सवाल ये चीज़, इस वक्त हम ढूंढ रहे हैं, हमारे पास एजुकेशन नहीं है, फलानी चीज़ नहीं है, रोड नहीं है, सड़कें नहीं है। मुझे बताए आप 70 साल से क्या मांग रहे थे? जितने भी मिनिस्टर आए उनके पास आप गए सारे, लेकिन कुछ नहीं किया, उन्हें अपने वोट हासिल किया तो उसके पीछे आप पड़े। एजुकेशन कभी नहीं किसी ने नहीं मांगा, जबकि आपको याद होगा कश्मीर से जिन पंडितों ने हिजरत की जम्मू जाके या हिंदुस्तान के दूसरे स्टेट में जाके, उन्होंने सिर्फ ये कहा हमें एजुकेशन चाहिए, हमें मकान नहीं चाहिए, बंगले नहीं चाहिए, क्वार्टर नहीं चाहिए, हमारे टेंटों में हमारे बच्चों के एजुकेशन मतलब दीजिए आप। उन्हें ये चीज़, और हम क्या करें, हमें ये देखना है किस तरह हमारे बच्चे आगे, जो हमारा फ्यूचर है, अगर इस वक्त इसी तरह रहे वो अंधेरे में जाएगा, इसका मतलब हमारे नस्लों के नस्ल तबाह व बर्बाद हो जाएंगे। हमें रास्ता निकालना है, देखना है किस तरह हमारे बच्चे आगे जाएंगे, ये चीज़ है मैं कहना चाहता हूँ आपसे। हम
डायरेक्टर साहब से पूछते हैं इनका क्या कहना है इस बारे में। मैम देखिए, हमें हर हाल में और हर सूरत में बींग ए ह्यूमन बींग एसओपीज का पालन करना है, क्योंकि जो जी एसओपी आज चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है या स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे है, वो हम लोगों के बेनिफिट के लिए है। अगर बिल्कुल हम उनको नेगेटिव मैनर में लें कि एजुकेशन हमारा रुक रहा है, फलानी चीज हमारा रुक रहा है, तो इस वक्त जिंदगी का मसला है। और जो एसओपीज इस वक्त हम पे इम्प्लीमेंट कर दिए गए हैं, मैं चाहता हूं कि हम सब लोगों की जाती जिम्मेदारी ये बनती है कि हम उन सारे एसओपीज का पालन करें और बाकी लोगों को भी अवेयर करें कि हम एक सोशल एनिमल है। हम अपने अपने घर से, अपनी फैमिली से, अपने बच्चों से, अपने मोहल्ले से, गांव से शुरू कर सकते हैं। देखो, बीमारी जो है कश्मीर में एक कंसर्न चल रहा है कुछ टाइम से कि ये बीमारी बीमारी नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने हर एक चीज को इसी नेगेटिविटी के साथ लिया है। लेकिन हमें एक पॉजिटिव कंसर्न ये क्रिएट करना है कि पेंडेमिक चल रहा है, बहुत सारे देश बुरी तरह से इससे मुतासिर हुए हैं, और इस वक्त हमारा मुल्क भी इस लपेट में आ चुका है। और हमें चाहिए कि हम अपने आप को, अपने घर वालों को, अपनी सोसाइटी को अवेयर करें और भरपूर पालन करें। हमने कोरोना वायरस लास्ट ईयर में भी, जब कोरोना वायरस पैंडेमिक ने सारे विश्व को अपनी लपेट में लिया था, हमने अपने एरिया की बात करेंगे, हमने हंदवाड़ा एरिया में, चाहे वो मावर हो, चाहे वो यून्स ब्लॉक हो, चाहे वो कुलतूरा हो, चाहे वो मागाम एरिया हो, चाहे वो क्रमहुरा हो, जो भी हो, लगभग 30 विलेज का हमने सैनिटाइजेशन ड्राइव किया था। और इसके साथ साथ जितना भी हमसे हो सका था, हमने एटलीस्ट 100 फैमिलीज तक वो फूड किट्स पहुंचाए थे। दिस ईयर भी हमने कुछ ऐसा ही किया, हमने कुछ फूड किट्स वगैरह बांटे हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट सारे जितने भी लोग राशन कार्ड पे दर्ज हो, हर फैमिली में एवरी पर्सन को 5 kg राशन फ्री मिलेगा। और वहाँ पे हमारी ऑर्गेनाइजेशन ये सोच रही है, जो भी हमारे यहाँ नॉन लोकल्स हैं, जो यहाँ डिफरेंट कामों के लिए आते हैं, उनके लिए गवर्नमेंट ने राशन फ्री नहीं रखा है। अब हम उन लोगों तक पहुँचे, उनको फूड किट्स दे, ताकि इस महामारी में, इस पैंडेमिक में हम सब एक साथ रहे, कोई यहाँ नॉन लोकल ना रहे, हम सब कश्मीरी नॉन लोग सारे हिंदुस्तानी मिलजुल के इस कोरोना वायरस को कमज़ोर करें और इसको इस विश्व से ख़त्म करें। और दूसरी बात, हमारा काम तो हम तो डेली करते हैं, लोगों को रेडी करते हैं, लोगों को तैयार करते हैं ताकि वो कोविड वैक्सीन लगाए। और हम चाहते हैं, हम सबों को ये मैसेज देना चाहते हैं, आइए, कोविड वैक्सीन एक अच्छा बूस्टर है, ये आपका आपको बड़ा स्ट्रांग करेगा। कोविड को अगर हराना है, अगर कोरोना का हराना है, डेफिनेटली हम लोगों ने इस वैक्सीन का को कामयाब बनाना पड़ेगा। हर बंदे तक ये मैसेज पहुंचानी पड़ेगी कि कोविड वैक्सीन लगाए, ताकि इस कोरोना वायरस चैन सिस्टम को हम खत्म कर सके। हर स्कूल्स में मेरे ख्याल में यहाँ के ये जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर्स हैं, चीफ एजुकेशन ऑफिसर, वो इन मेक श्योर कर रहे हैं कि हर जगह पे क्लासेस चल रहे हैं। मेरे ख्याल में ठीक है, ओवरऑल अगर देखा जाएगा इंटरनेट के थ्रू क्लासेस चल रहे हैं, बट कुछ एरियाज ऐसी भी है जहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटीज नहीं है। जैसे कि डायरेक्टर साहब ने अभी मैंने लास्ट पे ज्वाइन किया, डायरेक्टर साहब सही बोल रहे थे, कुछ हमारे यहाँ पे कुछ इलाके ऐसी भी है जहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटीज अभी भी नहीं है, खासकर केरन में है या मछल सेक्टर में है या फिर ये करना में है, टेटवाल वगैरह में। तो जो बॉर्डर एरियाज हैं या जो LAC के करीब गांव हैं, वहाँ पे ये भी हकीकत है कि इंडियन आर्मी ने वहाँ पे एक सेंटर्स कायम कर रखे हैं, उसके थ्रू बच्चों को तालीम मिल रही है और मेरे ख्याल में ठीक होता जा रहा है दिन ब दिन। हमारा एनुअल जो एक्शन प्लान होता है, उसमें हमारे नियर अबाउट 24 ट्रेड्स में डिफरेंट ट्रेनिंग्स दी जाती है, जो नियर अबाउट 90+ विलेजेस में हम थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा हमने कन्वर्जेंस में कुछ प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज और इंडियन आर्मी के साथ। उसमें हमने इस साल फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर कोर्स एक शुरू किया है, इलेक्ट्रिशियन कोर्सेज और कंप्यूटर कोर्स शुरू किए हैं, और इसके साथ साथ कुछ हैंडीक्राफ्ट कोर्स भी शुरू किए हैं इस उन एरियाज में। लाइक हमने इस साल फोकस किया है टंगडार तहसील पे और उन एरियाज पे जो बिल्कुल एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल पे है, और कैरन और मछल सेक्टर में। और हमारी कोशिश ये है कि हम उन फॉर फ्लाइंग एरियाज तक पहुंचे, क्योंकि ये हमारा मिनिस्ट्री का सर्कुलर भी था कि आप अनटचड एरियाज को टच करें,
लेकिन आज हमारे ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं। प्रोबेबली अभी इस टाइम मेरे दो क्लासेस और भी चल रहे हैं जहां पे हमने इंस्ट्रक्टर्स को अपॉइंट किया है, वो डेली बेस पे क्लास देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही है। मैं केरन की बात करूं, केरन में गेरा गाँव है, कहीं पर भी नेटवर्क नहीं है। मेरा रिसेंट विजिट वहां था और कहीं पर भी कोई भी नेटवर्क नहीं है, कोई भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। ऐसे एरिया में अगर हमें ऑनलाइन एजुकेशन क्लासेस या स्किल के क्लास करने हो, कैसे पॉसिबल है? या इसी तरह से टंगडार का वो एरिया जो नीचे वाला टीटवाल तहसील है, वहां पर भी कुछ सिमारी एरिया है, वहां पर भी नेटवर्क नहीं है और नेटवर्क की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। इस जमन में मैं ये कहूं कि जो हमारे ऑनलाइन सेशन चल रहे हैं स्किल की, वहां पे हम उन एरियाज को टच और ऑनलाइन क्लासेस नहीं दे पा रहे हैं जहां पे नेटवर्क नहीं है। अगर हमें कोविड को हराना है, जिस तरह रिटायर फौजी आप देख लीजिए हॉस्पिटलों में इस वक्त वो अपने फ़राइज़ बराबर दे रहे हैं, क्योंकि जो भी कोविड पेशेंट हैं उनके साथ साथ वो चलते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, उनको दवाइयाँ देते हैं। और कश्मीर में खासकर ये इस वक्त चल रहा है, अपने जहाँ पे काम ना आए वो फ़ौजी आ रहे हैं इस वक्त, जो रिटायर फ़ौजी कश्मीरी है वो उनके साथ शाना बशाना चलते हैं। जब वो फील्ड में आए जो रिटायर थे, हमारी जो एजुकेशन से वाबस्ता है वो कहाँ है? वो भी आए जहाँ तक हो सके, अगर कोई गांव का है, कोई मोहल्ले का है, रिटायर्ड डायरेक्टर है, एजुकेशन से वाबस्ता है, कॉलेज प्रिंसिपल, वो सामने आके हेल्प करे इस वक्त, एजुकेशन को बचाए, एजुकेशन को बचाए। मेरे ख्याल में काफ़ी अच्छे से टैकल किया है यहाँ की यूटी गवर्नमेंट ने अभी तक देखा जाए। और जो रिसेंटली उन्होंने एक प्लान किया है कि हर हर विलेज में एक कोविड सेंटर बनाया जाए, मुझे लगता है एक बहुत ही अच्छा कदम है। बट अनफॉर्चुनेटली जो मैं देख रहा हूँ रूरल एरियाज में खास तौर पर, वो बड़ा फोर्स कर रहे हैं, कुछ जो यहाँ के लोकल ऑफिसर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स, वो फोर्स कर रहे हैं पंचायतों को कि आप ये जो है ना वो चारपाई जो 1,000-2,000 रुपये में मिलती है, कि आप वो लगा के एक सेंटर कायम करो, सो दैट एक पिक्चर लगा के लोगों को दिखाई कि हमने एक कोविड सेंटर कायम किया। दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। अगर उनको करना है, 1 लाख रुपए उन्होंने डाल दिया है, इट शुड हैव बीन ऑन अ वेरी नो, एक अच्छे से सेटअप करके उन्होंने उनको रखना चाहिए था। बट मुझे लगता है वो एक लैकिंग है, हालांकि एक अच्छा कदम था जिसको हर किसी ने अप्रिशिएट किया है थ्रू आउट यूटी। कोविड की वजह से कश्मीर में टूरिज्म सेक्टर और इकोनॉमी दोनों पर असर पड़ा। क्या आपको लगता है अमरनाथ यात्रा इसको बेहतर कर सकती है? अमरनाथ यात्रा हिंदू मजहब की एक रिलीजियस रिचुअल्स में से है, जिस तरह से हमारे इस्लाम में भी है। बट इस्लाम टू हैज अलाउड अस कि अगर कहीं पे आपको, आप पे कोई कानून आपकी जिंदगी और आपकी कौम की हिफाजत के लिए, तहफुज के लिए बनाया जा रहा है, तो उस वक्त उसको ओबे करें। जितने सारे इस्लामी स्कॉलर्स उलमाज है, दे हैव परमिटेड अस कि अगर घर में नमाज का ऐलान किया जाए तो घर में ही नमाज अदा करें, अगर सोशल डिस्टेंस का ऐलान किया जाए तो सोशल डिस्टेंस। तो वहां पर भी, एज पर आप बोलते हो कि यात्रा को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मुझे लग रहा है कि एसओपीज का पालन करना चाहिए। गवर्नमेंट के जितने सारे एसओपीज हैं वो हमारी भलाई के लिए हैं और उनमें हमारा खैर है और उन्हें हमें हर हाल में निभाना है। आप देखिए वेस्टर्न कंट्रीज में इस वक्त सूरत हाल काबू में क्यों है, वहां लोगों ने खुद लॉकडाउन कर दिया है। यहाँ पुलिस को अभी भी डंडे मारने पड़ते हैं। मैं चाहता हूं कि पुलिस डंडा साइड में रखें, लोग खुद समझें, हर कोई अपनी लेवल पे समझे कि नहीं, मुझे लॉकडाउन करना है, मुझे मास्क पहननी है, मुझे एहतियात करना है, मुझे मार्केट में एहतियात से जाना है, मुझे शादी ब्याहों के में नहीं जाना है, मुझे गैदरिंग्स में नहीं जाना है, तो एक पेंडेमिक से हम बच सकते हैं। स्टार्टिंग अमरनाथ यात्रा इज अ वेलकमेबल स्टेप, हम गवर्नमेंट का वेलकम करते हैं, स्पेशली ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी का वेलकम करते हैं, ताकि वो कम से कम एटलीस्ट वो सोचने लगे कि जो यहाँ के लोग हैं ये मुंसलिक है, हमारा बहुत बड़ा सेक्टर जो है वो टूरिज्म सेक्टर के साथ रिलेटेड है, उनके लिए एटलीस्ट राहत की सांस मिलेगी, वो राहत की सांस ले सकते हैं अगर यात्रा यहाँ स्टार्ट होती है। और बट एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, जब यात्रा हो एटलीस्ट वहाँ कर्फ्यू ना लगाया जाए, जो भी हमारे लोग
इस टूरिज्म के साथ मुंसलिक है वो भी अपना रोजगार कमा सके। और दूसरी बात, यहाँ पे ये एक वेलकमेबल स्टेप है, ये एक ड्रास्टिक स्टेप भी बन सकता है, ये खत्म भी कर सकता है अगर इसके प्रोटोकॉल्स में थोड़ी सी भी चूक हुई। अगर जो भी यात्री यहाँ आते हैं हम उनका वेलकम करते हैं, वो हमारे दोस्त हैं, हमारे मेहमान हैं, हम उनका वेलकम करते हैं। और दूसरी बात, उसके लिए हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं जितने भी प्रोटोकॉल्स हो वो उसका ख्याल रखा जाए। दूसरी बात, जो भी यात्री यहाँ आए एटलीस्ट सबों ने कोविड वैक्सीन लगाया हो, और दूसरी बात रजिस्ट्रेशन के वक्त ही ये चेक किया जाए उन्हें वैक्सीन लगाया हो कि नहीं लगाया हो। और दूसरी बात, जब भी वो जम्मू कश्मीर में एंटर करें इसके लिए सबसे पहले वो कोविड टेस्ट कराए, ताकि ये एक अच्छा स्टेप रहेगा, हम बच सकते हैं, कश्मीर को बचा सकते हैं हम इस चीज़ से। अगर हमें इस चीज़ में थोड़ी सी चूक हुई, टेस्ट करने में थोड़ी सी चूक हुई, तो कश्मीर हॉटस्पॉट बन सकता है कोरोना के लिए। और हम दुआ करते हैं कि कोरोना ख़त्म हो, विश्व भर से ख़त्म हो, और हम अपने दोस्तों का, अपने मेहमानों का वेलकम तहे दिल से वेलकम करना चाहते हैं। जो भी हमारे यात्री यहाँ यात्रा करने के लिए आए हम उनका वेलकम करना चाहते हैं। और मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि ये जो आप अमरनाथ यात्रा भी के जो बात चल रही थी उसमें मेरे ख्याल में थोड़ा सा डिले करना चाहिए, थोड़ा सा डिले, अभी थोड़ा सा गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको एक कुछ फेज मैनर में उनको करना चाहिए, या तो एक जो जिस तरह से अगर उन्होंने एक ही टाइम में सारों को आना दिया यहाँ पे कश्मीर में, उससे हालात बहुत खराब हो जाएंगे। एक फेज मैनर में अगर हो जाएगा शिफ्ट के तौर पर 500,000 या ऐसी कोई काउंट करके, मेरे ख्याल में उस हिसाब से ठीक रहेगा। क्या आपको लगता है साइंस और टेक्नोलॉजी इंसान के मयारे ज़िंदगी को बेहतर बनाती है? आम लोगों तक इस जानकारी को पहुंचाने के लिए क्या इकदाम उठाने चाहिए? देखो जेन्युइन लाइक एन ओपन ट्रुथ रोजे रोशन की तरह ये बात है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने हमारी जिंदगियों में रोशनी लाई और इससे हम रोज बरोज तरक्की की ओर जा रहे हैं। लेकिन कहीं हमें साइंस और टेक्नोलॉजी की इस गैर मौजूदगी में भी हमें कभी, हमारे कुछ ऐसे इलाके भी है डिस्ट्रिक्ट में, मैं डिस्ट्रिक्ट की बात करूंगा, यहाँ पे 8 लाख की पॉपुलेशन है, 16 तहसील यहाँ पे है, और यहाँ पे कुछ ऐसे फॉरफ्लैंग एरियाज है जहाँ पे एकेडमिक एजुकेशन, मैं आपको यहाँ पे आपके माध्यम से एक जरूरी बात, जो डिस्ट्रिक्ट जो हमारे चीफ एजुकेशन ऑफिसर है और चीफ ये जो हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब है उन तक भी और हायर अथॉरिटीज तक भी ये बात पहुंचाना चाहता हूँ कि हमने लास्ट टाइम एक कोशिश की कि जो डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा के म्यूट एंड डेफ स्टूडेंट्स हैं, वो 260 स्टूडेंट्स डिस्ट्रिक्ट में हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन भी की है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी की है, आधे 12th में है, आधे 10th में, उनके लिए कोई स्पेशलाइज्ड स्कूल अभी डिस्ट्रिक्ट में नहीं कायम किया गया है। उनके लिए हमने 2 सिकल सेल्स यहाँ पे क्रिएट की है। मैं थैंकफुल हूँ यहाँ पे एक सीओ साहब है, ही हैज टेकन द इनिशिएटिव, हमने उनके लिए एक पेंटिंग कंपटीशन रखा और हमने उनको गैदर किया, उनको टाई अप किया, उनके लिए हमने ट्रेनिंग सेंटर्स खोल दिए। मैं चीफ एजुकेशन ऑफिसर एंड डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं उनके लिए कोई स्पेशल स्कूल खोला जाए ताकि वो अपनी एजुकेशन को प्रोसीड करें। इस तरह से ब्लाइंड एसोसिएशन ऑफ कुपवाड़ा जो है उनके लिए भी ऐसे इकदाम उठाए जाए ताकि वो बच्चे भी अपने इस ये तालीम के इस नूर से मनवर हो जाए। साइंस टेक्नोलॉजी का ये जो दौर दौरा है ये सिर्फ एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए नहीं रहना चाहिए जो गिफ्टेड बच्चा है, बल्कि हमें वो स्पेशली एबल बच्चे जो है उन तक भी इसको पहुंचाना है और उन एरियाज पर तक स्पेशली पहुंचाना है जहां पे नेटवर्क और जहां पे टेक्नोलॉजी जैसी प्रॉब्लम्स अभी भी लोग उसके शिकार हो रहे हैं। मैं करालपुरा की बात करूंगा, करालपुरा डिग्री कॉलेज को एक छोटे स्कूल में शिफ्ट किया गया, अभी तक वहां पे फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए ऐसे इलाके में जहां पे लोग बहुत दूर दराज इलाकों से आ रहे हैं, हमने रिसेंटली आर्मी के माध्यम से 2 आर्मी गुड स्कूल्स में कंप्यूटर सेंटर स्टार्ट किए जहां पे आर्मी ने अपने व्हीकल्स उनको दे दिए, उन बच्चों को वो वारसून से आते हैं और त्रैकम आर्मी गुड स्कूल में अपने कंप्यूटर कोर्सेज कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, जहां पे पॉजिटिव हो वो उसको मार्क करना चाहिए। आई सल्यूट एंड आई रेस्पेक्ट दीज वेरी थिंग्स। तो मुझे लग रहा है कि साइंस टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की तरफ ले रही है हमें, लेकिन हमें देखना है, हमें उन बिछड़े हुए लोगों की तरफ भी ध्यान देना है और उनकी तरफ भी हमें तवज्जो करने की जरूरत है। थैंक यू। जो अभी डायरेक्टर साहब ने कहा कि स्पेशल स्कूल के बारे में, मैंने खुद स्पेशल स्कूल में काफी टाइम पे काम किया है पुणे में, वहां पे एक विद्या ज्योति स्पेशल स्कूल था, वो गवर्नमेंट का था,
और यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई इंस्टीट्यूशन है ही नहीं स्पेशल स्कूल का, जो कि होना चाहिए, हर स्टेट में है। महाराष्ट्र में था, मैंने खुद काम किया है, हम विजिट करते थे, इवन हम उनके होम विजिट भी करते थे कि उनको क्या प्रॉब्लम, क्योंकि वो बाकी लड़कों की तरह वो नहीं कर सकते हैं कम्पीट, तो उनके लिए एक स्पेशल स्कूल होना चाहिए। और मेरे ख्याल में आर्मी ने, जहाँ पे जो मैंने भी मेरे नज़र में भी ये चीज़ आई है कि आर्मी ने काफ़ी जगह काम किया है स्पेशल स्कूल किड्स के बारे में, तो आई थिंक गवर्नमेंट शुड टेक अप द इनिशिएटिव, उनको करना चाहिए एक स्कूल हर डिस्ट्रिक्ट में, एक कम से कम एक स्कूल होना चाहिए स्पेशल किड्स के लिए। थैंक यू। I want to bring it in the notes of Mr. Director Iqbal sir, that I am belonging from that very area which is known as village of widows, Kralpura, Dardpura. Dardpura, right. Sir, as you are saying that ki aapne itne vocational training centers khole, so I would like to say ki aapne widows ke liye koi aisa center khola hai Kralpura Dardpura mein jahan ki widows apne pairon pe khade hoke within their own feet ki wo kuch earn kar sake। तो क्या होता है ना, इस कोविड की वजह से ना एक सिंगल पेरेंट के लिए मुश्किल हो जाता है कि एक तो घर में लॉकडाउन होता है, फिर अपने बच्चों का पालन पोषण करना होता है, क्योंकि दैट एरिया इज मच इफेक्टेड बाय द मिलिटेंसी। तो आज जो कोविड का दौर है, इसमें हमें बाहर निकलने में भी प्रॉब्लम, पेरेंट के लिए बहुत ही मुश्किल होता है अपने चिल्ड्रन को रेज करना, अपब्रिंग करना। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हमने इसी साल नियर अबाउट 5 महीने पहले दर्दपुरा में 2 वोकेशनल सेशन स्टार्ट किए हैं, ट्रेनिंग सेंटर जो अभी भी चल रहे हैं, जिनमें हमने 2 ट्रेनर्स को अपॉइंट किया है, 40 लड़कियां और 40 लड़कियां, उनमें कुछ औरतें भी है जो विडोज भी है और जो ट्रेनिंग वहां पे ले रही है। हमने स्पेशल कंसर्न से इस साल 1-2 कुनन पोशपोरा में 2 सेंटर्स खोले हैं और दर्दपुरा करालपुरा में भी 2 सेंटर्स खोले हैं कटिंग टेलरिंग के। कंसर्न हमारा ये है कि दूसरी बात आप मैम अभी पूछ रही थी कि हमने कोविड में क्या किया, हमने कोविड कंसर्न में एक अच्छा काम ये किया कि जिसे मैं अपने लिए अपने डिपार्टमेंट के लिए एक प्लस पॉइंट कह रहा हूँ कि लास्ट टाइम जब कोविड हो गया तो लॉकडाउन हो गया तो सारी चीजें बंद हो गई, तो उस वक्त जितने सारे कटिंग टेलरिंग की ट्रेनर्स हमारे पास थी और बेनिफिशरीज जो हमारी थी जो सीख रही थी, उन सबको हमने मासिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में कन्वर्ट कर दिया। और मैं आपको वसूख के साथ कहूंगा विद रिकॉर्ड दैट हमारे जो ट्रेनर्स और बेनिफिशरीज हैं उन्होंने मोर देन 2 लाख मास्क डिस्ट्रिक्ट के लिए बनाई, और इस वक्त भी हमारा 40 सेंटर्स में से कटिंग टेलरिंग सेंटर्स में से मास्क का काम चल रहा है जो डिफरेंट एरियाज में फिर हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन की कोलैबोरेशन में हम बना रहे हैं। तो दर्दपुरा में हमारा ऑलरेडी सेंटर स्टार्ट किया है। मैम आप यू आर ए सोशल एक्टिविस्ट, आई वेलकम यू, आई रिक्वेस्ट यू टू कम माय ऑफिस एंड इन चीजों को आप खुद भी देख लें और हमारे वहाँ सेंटर पे भी जाएं, जस्ट इंस्पेक्ट और देख लें वहाँ पे रियल सेंस में एडमिशन हुआ है और ट्रेनिंग हो रही है या नहीं है। और वहाँ की जो अपॉइंटेड ट्रेनर हमने की है, नसरीना उसका नाम है, शी वी हैव अपॉइंटेड हर एज ए ट्रेनर, आप जाइए एंड यू आर वेलकम ऑलवेज। ईद का चांद नजर आने या न आने पर काफी इख्तलाफात होते हैं, क्या मुस्लिम कौम साइंसी तरीके इख्तियार नहीं कर सकते हैं ईद का चांद देखने के लिए? मजहब में कहीं नहीं लिखा है कि आप दूरबीन से देखोगे या किसी और टेक्नोलॉजी से देखोगे, मजहब में कहीं नहीं लिखा है। और हमें याद होना चाहिए कि जो पाकिस्तान का साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर था फवाद चौधरी नाम करके, उन्होंने उस पर काफी टाइम पे डिस्कशन उस पर बड़ी बहस चली 2 दिन तक, पिछली जो लास्ट ईयर ईद थी। तो फिर वहाँ देखो क्या होता है कि हर किसी जगह पे अपना एक वो होता है ना, वो ग्रुप बना के रखी होती है, तो वहाँ जो मौलवीज होते हैं उनकी भी अपनी एक वहाँ पे पकड़ है उस मामले में, वो भी उन्हें नहीं छोड़ना चाहते इसको, एक इकदार के तौर पर वो उसको यूज करते हैं अपना अपनी पावर के तौर पर, तो वो उसको छोड़ना नहीं चाहते। हालांकि इसमें कोई ये नहीं है कि साइंस अभी टेक्नोलॉजी का दौर है, अभी आप देख सकते हैं 3 दिन पहले भी पता चल सकता है कि कब चांद नजर आएगा, कब नहीं आएगा, कब है, कब ईद होगी, कब नहीं होगी, पहले ही पता चल सकती है। और इस पर बहुत टाइम तक डिस्कशन चला और उस पर जो वहाँ के मिनिस्टर थे फवाद चौधरी, उसको काफी ज्यादा वो झेलना पड़ा। हालांकि जो भी यंगस्टर्स थे वहां का जो यूथ था वो उसको बड़ा फॉलो कर रहा था उस चीज को। इसमें नहीं है कि अगर टेक्नोलॉजी हमें
आ रही है, अगर टेक्नोलॉजी से हमें देख सकते हैं तो इसमें क्या है, दूरबीन पे भी वैसे देख सकते हैं, वो भी तो टेक्नोलॉजी है ना, वो इट्सेल्फ इज अ टेक्नोलॉजी। हमारा अगला सवाल है ड्रग्स के बारे में। कश्मीर में ड्रग्स का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहा है, इसके क्या वजूहात है? कश्मीर में भी इस वक्त एक बहुत बड़ी तबाही आई है, खासकर बच्चों और बच्चियों में जो ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, उसको मतलब इस्तेमाल करने के बाद खुदकशियों का आप देख रहे हैं जो वाक़ात नमोदार हो रहे हैं। अब ये चीज़ें इसको किस तरह हम कंट्रोल करें ताकि बच्चे हमारे जो है, बच्चियाँ जो हमारे हैं सही लहन पे आए। इसमें मस्जिद वाले, मंदिर हो, गुरुद्वार वाले, मोहल्ले वाले एक होकर इस पे कंट्रोल कर सकते हैं। हर बच्चे का पीछा करें, CIDs जिस तरह होता है, CIDs डिपार्टमेंट जैसे बनाए, कौन बच्चा कहाँ जाता है, कहाँ से लाता है, क्या उनको, हमें हर एक उनको पकड़ेंगे। हर एक चीज़ हमें पुलिस पे, गवर्नमेंट पे मतलब नहीं रखनी चाहिए, हमें खुद होशियार रहना, अपने घर बचाने के लिए, अपने भाई बहनों को बचाने के लिए, अपने पड़ोसियों को बचाने के लिए हमें मुतहद होना है और इस बीमारी को कश्मीर से हटा देना है और बच्चों को बचाना है। एडिक्शन एक वन ऑफ द सीरियस इश्यू है राइट नाउ फॉर एंटायर वर्ल्ड, और स्पेशली हमारे कश्मीर वैली में भी एडिक्शन बहुत ज़्यादा फैल रहा है। आई वॉज ए कंट्रेक्चुअल लेक्चरर इन डिफरेंट कॉलेजेस, मैंने देखा है कि वहाँ पे लड़कों के साथ साथ लड़कियाँ भी ड्रग की शिकार हो चुकी थी। तो मुझे लग रहा है कि जो जहनी तनाव इस वक्त हमारे समाज पे छा गया है, चाहे वो एक बच्चे के लिए उसकी तालीम व तरबियत का मामला हो, या एक लड़की का, लड़की की शादी का मामला हो जिसमें जहेज सरफरिस्त है, या इस तरह से उस लड़के के लिए जिसने तालीम हासिल की है उसके रोज़गार का मामला है, ये सारी जो है एक डोमिनेंट स्ट्रेसर का रोल कर रहे हैं, जिसकी वजह से ड्रग एडिक्शन ज़्यादा से ज़्यादा फैल रहा है। और ऐसे सूरत हाल में हमें अगर स्किल की ओर इन बच्चों को हम लें, क्योंकि हम एक फेमस कोटेशन से बार बार इसको हम यूज़ कर रहे हैं कि आइडल इज माइंड इज डिविल इज वर्कशॉप, कि जब एक इंसान बेकार बैठता है तो वो स्ट्रेस का शिकार हो जाता है। जी, मैं जानना चाहता हूँ कौन से इवेंट्स हो रहे हैं जैसे हम अवेयर करें बच्चों को, मोटिवेट करें आईटी के द्वारा, इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी के इंट्रोड्यूस कराए इन्हें, क्योंकि जो जो हमने कश्मीर की हालत देखी है, किसी को भी बोल रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हम आपको ये बना के देंगे, वो बना के देंगे, डिजिटल मार्केटिंग देंगे, मगर लोग अवेयर नहीं हो रहे हैं, लोग नहीं माने डिजिटल मार्केटिंग क्या हो रही है, उनको कुछ मालूम ही नहीं है आईटी का। तो डायरेक्टर साहब बोलेंगे इस पे कौन सा इवेंट हुआ है, क्या कर रहे हैं, कौन सा काम कर रहे हैं? जी जी सर, मैं एज ए डायरेक्टर हूँ डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में फ्रॉम लास्ट 20 मंथ। इसमें अभी तक कोविड ही चला आ रहा है, और लेकिन इस दौरान भी हमने 2-3 इनिशिएटिव स्टार्ट किए, जिस तरह से डिग्री कॉलेज टंगडार में हमने एक मेगा काउंसलिंग सेशन स्टार्ट किया जिसमें नियर अबाउट 350 लड़कों लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया, और उसमें हमने बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को इनवाइट किया था, इवन दो ये जो सिकल मिशन है उनके भी, इनकी भी टीम्स थी, और दिया नामी एक टीम थी जो साइकोलॉजिकल बैकअप्स पे काम कर रही है, वहाँ पे हमने उनको साइकोलॉजिकल टेस्ट कराए। हमारा कंसर्न ये था कि हम बच्चों के उस लेवल को अंडरस्टैंड करें जहाँ पे उनका वो स्ट्रेस और डिप्रेशन छुपा हुआ होता है, उस पे फोकस करें, उनको पॉइंट आउट करें, और एक एक्सपर्ट टीम्स के साथ उनको इंटरेक्ट कराएं, ताकि वो आने वाले कल में ये समझ ले कि मेरी जिम्मेदारी क्या है। देखो, जब तक ना एक इंसान खुद, मैं, आप, जब तक ना हम एक जिम्मेदार बनेंगे, तब तक हमारी जिम्मेदारी और हमारी बात का असर दूसरे पे नहीं बन रहा है। नाज़रीन, वक्त की कदर करते हुए हमें इस प्रोग्राम को यहीं पर रोकना पड़ रहा है। अगर आपका कोई सवाल है जो आप इस प्रोग्राम में शामिल करना चाहते हैं, आप हमारे साथ सोशल मीडिया के ज़रिए जुड़ सकते हैं। डिटेल्स आपके स्क्रीन पर दी हुई है। तो दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।